सोमवार को नगर पालिका निगम की सामान्य सभा आहूत की गई, जिसमें शामिल किए गए दो प्रस्तावों पर पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से सदन में पारित कर दिया गया। निगम भिलाई के सभापति बंटी साहू ने इन प्रस्तावों के पारित होने की आधिकारिक घोषणा की। इसके पूर्व पक्ष एवं विपक्ष के बीच कुछ बहस भी हुई, परंतु सत्ता पक्ष ने विपक्ष को बखूबी दोनों प्रस्तावों को समझाया और उन्हें भी प्रस्तावों को पारित करने के पक्ष में हामी भरवाई। पहला प्रस्ताव राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वे का क्वार्टिफाइनल डाटा का अनुमोदन करने बाबत था, तो वही दूसरा प्रस्ताव राज्य स्तरीय सीमार्ट की स्थापना हेतु भवन एवं भूमि के चयन बाबत था। दोनों ही प्रस्तावों से संबंधित कुछ संदेहास्पद सवालों की बौछार विपक्ष द्वारा की गई, परंतु सत्ता पक्ष द्वारा उन्हें प्रतिउत्तर के माध्यम से संतुष्ट किया गया और दोनों ही प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित किए गए। इसमें शासन सर्वे लेने में अपना इसमें कोई मतलब रोल नहीं है, मतलब शासन ने ही तय कर दिया है कि 100 रुपए देना है। शासन ने तय किया है, शासन ने तय किया है, शासन जो कर रहा है वो भी शासन स्तर पे होगा, वो क्लियर कर रहे हमारे स्तर पर नहीं हो रहा। शासन अब वही मेरा कहने का मतलब है कि निश्चित संपत्ति को दे दो, किसी और को दे रखा है। ये है कि महिलाओं को रोजगार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि क्योंकि हम इसमें अगर खुद भी जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली वो जाएगा। महापौर जी बहुत अच्छी चीज है, हम इसका कहीं पे भी कोई किसी बिंदु का विरोध नहीं कर रहे, उसको आप क्लियर करिए। संचालित स्व सहायता समूह शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु इसकी व्यावसायिक ढंग से मार्केटिंग किए जाने तथा उत्पादक समूहों को अधिकतम लाभ प्रदाय किए जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सीमार्ट योजना प्रारंभ की गई है। तत्संबंध में राज्य स्तरीय सीमार्ट की स्थापना हेतु दुर्ग जिले में मदर्स मार्केट, पावर हाउस चौक, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के भूतल में कुल क्षेत्र 8,047 वर्ग फुट के भवन का चयन किया गया है। प्रस्तावित सीमार्ट भवन का तकनीकी परीक्षण करने के उपरांत अभिमत निम्नानुसार है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा चयनित भवन मदर्स मार्केट की उपयोगिता के संबंध में तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसे सीमार्ट के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया है। सीमार्ट में रैक, सेल्फ चेक, चेकआउट काउंटर, प्रबंधक कक्ष, प्रतीक्षा क्षेत्र के फर्नीचर, कंप्यूटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है, जिनका सुझाव था न्यूनतम 2 चेकआउट काउंटर बनाए जाए, फिर उस टाइप का उनका काउंटर अरेंज होगा, और सामानों की व्यवस्था शीघ्र की जाए, आगंतुकों का सामान सुरक्षित रखने हेतु सामान काउंटर बनाया जाए, अग्नि सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की जाए, रावंदन तथा रख रखाव हेतु अनुमोदित RFP द्वारा संचालक का चयन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। अनुबंध क्षेत्र है, उसमें कई लोग बताए हैं जो है ना अगले सभा में बिंदु में रखा जाए, जानकारी दे देंगे कि आपके वार्ड में कितने सीटों के सर्वे हुआ है। नहीं है सीढ़ी किसी वाला पहले पारित हो चुकी है, उस मुद्दे पर बात मत कीजिए। जो सेकंड प्रस्ताव है अन्य योजना के लिए परिवर्तित करने के लिए सामान्य सभा की इससे पूर्व स्वीकृति ली गई थी क्या? जानकारी सर जो है वो नहीं बन पाया, और ये अभी मतलब निगम बनने के बाद में उसकी स्थिति लगभग डेड प्राय हो गई थी, वो खत्म जैसा हो गया था, लेकिन वो पूरी की पूरी योजना व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में है। सुचारू रूप से संचालित है या वो कौन सा मतलब संबंध दिया गया था या क्या उसका? सर मैं चाहती कि आप लोग हमें थोड़ा सा समय के तक जानकारी हो, क्योंकि वार्डों में मेरे पास सभी के वार्डों में समूहों को बंद किया गया है, तो उसमें मुझे हिसाब दीजिए ना सर, क्या सभी जितने भी समूह आए जो बदलने में गए कर रहे हैं, बहुत समूह आ रहे हैं गाँव में बदल जाके बढ़ रहे हैं, आप जिनके बहुत सारे और इस बीच उसके बर्तन की सप्लाई हो जाएगी, ऑर्डर और वर्क ऑर्डर हो चुका है।
थोड़ा चर्चा प्लान प्रस्ताव में नरसिंह मान के संचालन प्रबंधन रख रखाव छत्तीसगढ़ राज्य लघु अनुपज संघ द्वारा किए जाने तथा चयनित संचालक को 100 रुपये प्रतिमान टोकन किराए से सीमान संचालन हेतु उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति बाबत प्रकरण राज्य शासन को प्रेषित किए जाने एवं सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया जाता है।